जैसे जो शकरकंद होता है उसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, जैसे इसमें विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है और आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है इसमें और बीटा कैरेटिन होता है। ये वात पित्त शामक और कफवर्धक माना जाता है। जैसे इसका काम होता है रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम आता है। जैसे हम इसको भूनकर अगर सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। अगर हम इसको उबाल के खाते हैं तो ये जैसे डायरिया होता है उसको ये कम करने का काम करता है। जैसे स्किन में कोई पिगमेंटेशन है तो हम एज इट इज़ जैसे स्वीट पोटैटो को रगड़ के मतलब फेस में लगा के तो उसको उससे वो कम हो जाता है स्वीट पोटैटो को। और जैसे ये जैसे हमें कमजोरी है वीकनेस वगैरह है तो भी हम स्वीट पोटैटो को जैसे रूट्स होती है उसकी, जैसे उसका वो होता है मूल होता है या जड़ होती है तो उसको हम सेवन कर सकते हैं, तो वीकनेस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है शकरकंद। तो ये वो होता है जैसे शकरकंद का और जैसे यूज़ होता है जैसे ये वो जैसे UTI यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसको भी ये कम करने का काम करता है शकरकंद। यूरिन से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन है, पेशाब में जलन वगैरह है तो उसको भी ये कम करने का काम करती है शकरकंद का। जैसे हमें पानी होता है उसको सेवन करना चाहिए या तो एज इट इज उसको हम खा सकते हैं शकरकंदी को। शकरकंद में जैसे ये होता है जैसे बीटा कैरेटिन होता है इसमें, बीटा कैरेटिन तो ये आइस के लिए भी बहुत ज़्यादा वो होता है, आइस वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है शकरकंद। ये हमारे शरीर को बल देता है, मतलब बलवर्धक होता है शकरकंद। अच्छा, ये शकरकंद का यूज़ करता है।